हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, राणा जी मुझे माफ़ करना, इस सॉन्ग टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस सॉन्ग पे इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं और अपने वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज ला सकते हैं। तो इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक वीडियो को कुछ इस टाइप से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपके वीडियो में 70 से 80% पार्ट आपको आसमान दिखना चाहिए। वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। फिर से हमें लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मल्टीप्ले के, मल्टीप्ले पे क्लिक करना है और ओपिसिटी को आपको कुछ इस तरह से कम कर देना है। इसके बाद इसे डन करना है, वीडियो पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आपको इसे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट आपको कर देना है तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एच डी 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, उसी वीडियो का साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।